नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, चौथे दिन लगातार बाजार में लाल निशान देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे निवेशक थे जो कल की गिरावट के बाद उम्मीद कर रहे थे कि बाजार आज या तो फ्लैट खुलेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा या फिर गैप अप ओपन होगा। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आज ट्रैपिंग जरूर अच्छी खासी हुई। मार्केट में फ्लैट खुल के ऊपर का लेवल दिखा के वहां से जो शार्प गिरावट आप सभी ने देखी है, वन साइडेड मार्केट गिरा एंड उसके बाद एक दोपहर में लगभग 12:30 बजे के समथिंग एक ट्रैप और इनिशिएट हुआ, जहां पे मार्केट नीचे से 150 पॉइंट ऊपर जाके हरे निशान में गया एंड फिर वहां से शार्प फॉल देखने को मिला। इंट्राडे में 17,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी आप सभी ने ब्रेक होता हुआ दिखा है और यहां भी स्टॉप लॉस सबका खा के आया, जिसने इंट्राडे बेसिस पे 17,000 का राउंड फिगर में एसएल लगाया है उसका भी एसएल काटा है। मार्केट ने 16,987 का लो लगाया है स्पॉट में। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खतरा बड़ा है लिटरली। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके लिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। कल इन्फ्लेशन था भारत का, बट भारत की कोई ज्यादा चिंता या फिर प्रॉब्लम है नहीं अपनी, तो वो चुपचाप आगे चला गया। लेकिन आज आने वाला है अमेरिका का सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा, जो कि बहुत कुछ कह सकता है। इन केस अगर इन्फ्लेशन बढ़कर आ गया गलती से, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा तो फिर रेट हाइक करने पड़ेंगे, और रेट हाइक कर नहीं सकते इस समय अमेरिका के बाजार, क्योंकि आप देख रहे हो SVB प्लस सिग्नेचर प्लस आपने कल फर्स्ट रिपब्लिक का हाल देखा, ये 3-4 बैंक तो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई है। 2 तो दिवालिया घोषित साबित हो गई है, 1 में पिटाई के हिसाब से पड़ रही है। तो अगर और फर्दर रेट हाइक हुए, वो भी 50 बेसिस पॉइंट के, तो अमेरिका में मोर देन 800 बैंक्स हैं, छोटी बड़ी सब मिला के लगभग 850 से भी ज्यादा बैंक हैं, तो ना जाने कितनी सारी बैंक कोलैप्स कर जाएंगी। अब ये शुरुआत हो गई है, पतझड़ हो गया है, स्टार्ट ही मान के चलिए आप, तो रेट हाइक ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, और इन्फ्लेशन बढ़कर आया तो रेट हाइक करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा इवेंट है आज। अगर इन्फ्लेशन का डाटा आता है कम और अच्छा, मतलब इन्फ्लेशन घटकर आ जाता है, तो ये एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि फिर वो कोशिश कर सकते हैं कि चलो इस बार नहीं करते हैं, मई में देख लेंगे, मई में रेट हाइक ले लेंगे, बट अभी के लिए नहीं करते हैं। हो सकता है 1 बेसिस पॉइंट का आपको रेट हाइक ना देखने को मिले, डायरेक्टली ही आप मई में ही देखो, तो ये एक रिलीफ की चीज हो सकती है। प्लस भारतीय बाजार की बात करें तो 16,800 एक ऐसा लेवल सामने आ रहा है जो आपके लिए जल्दी ही मार्केट में आना चाहिए। हालांकि अब ज्यादा दूर नहीं है, 200 पॉइंट है, 1.5% होता है। 16,800 मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा बहुत दूर, लेकिन 1.5% है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी गिरावट अभी देखी है, तो 16,200 पॉइंट कितना दूर रह गया है 16,800 में, तो वो भी देख लेंगे। बट फैक्ट ये कि क्या 16,800 पे खरीदने के मौके बनेंगे या फिर नहीं, तो इसका जवाब मेरे हिसाब से अभी आपको नहीं लेना चाहिए कुछ भी, ना ही एवरेज करना चाहिए, ना ही फ्रेश एंट्री, क्योंकि कंटिन्यू गिर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सिचुएशन माइंड रीड करने की कोशिश करें, तो ये ऐसा समय चल रहा है जहां बायर तो बिल्कुल बाजार में है नहीं, और सेलिंग भी कोई ऐसा नहीं कि एक्सेसिवली काफी ज्यादा हो रही है। FIIs का डाटा वही 1,500 करोड़ का आ रहा है आजकल भी, और उसमें DIIs उतना ही खरीद भी रहे हैं, फ्यूचर्स में भी 2,500 करोड़ का ही बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं 5-5, 10-10 करोड़ की सेलिंग आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि बायर नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो रिटेल इन्वेस्टर पिछली पूरी साल FIIs का एब्जॉर्ब करता रहा, मोर देन 3 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है। कोविड के टाइम पे 1 लाख करोड़ का मार्केट में सेलिंग हुई थी FIIs से, और मार्केट आधा हो गया था। अभी पिछली साल 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ की सेलिंग करी है FIIs ने, लेकिन भारतीय बाजार बिल्कुल नहीं गिरे। उसके पीछे का रीजन था रिटेल इन्वेस्टर, वो कंटिन्यू खरीदता रहा, बट अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि उसका पैसा नहीं बन रहा, और इसीलिए मार्केट में अब आपको थोड़ा लिक्विडिटी का इश्यू दिख रहा है। मार्केट कंटिन्यू गिर रही है, अगर आप कोई भी स्टॉक उठा के देखो, वॉल्यूम्स है ही नहीं, कोई है ही नहीं, लिक्विडिटी मार्केट से गायब हो गई है। स्टॉक में भी अगर आप देखो 1%, 2%, 3% डाउन है, बाकी कुछ नहीं है। जिस दिन बड़ी गिरावट दिखे, गैप डाउन दिखे, बहुत ज्यादा पैनिक हो, तब मेरे हिसाब से बनेगा बॉटम, और वहां आपको लेना चाहिए। अभी तो बहुत स्लोली नीचे जा रहा है, यहां तो सबको लग रहा है कि खरीदना चाहिए, और जब तक ये लगेगा तब तक मेरे हिसाब से बाजार का बॉटम नहीं बनेगा। जिस दिन सबको लगेगा खत्म, बाजार खत्म, ये तो सब ले गया, वहां बॉटम क्रिएशन होगा। देखिए सिंपल सी बात है,
आज दिन के दौरान भी आपको दो तीन बार ऐसा लगा होगा कि मार्केट रिवर्सल दे रहा है, खरीद लो, मतलब मन बन रहा होगा। जिसके डीमेट में बैलेंस पड़ा है वो डेफिनेटली खरीद रहा है, जिसके डीमेट में पैसा है वो खरीद रहा है, बट ये समय है ही नहीं। समय तब आएगा खरीदने का जब आपके पास पैसा होगा, लेकिन हाथ कांपेंगे शेयर खरीदने के लिए, तो समझ लो बॉटम बन रहा है, फिर आपको क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं पोर्टफोलियो में क्या करें। तो देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो में क्या करें क्या ना करें, इसका अभी भी वही सिंपल सा जवाब है, अपनी क्वालिटी चेक करें स्टॉक्स की। अगर क्वालिटी स्टॉक है तो बने रहे, नहीं है तो फिर उन्हें निकाले। और क्वालिटी में कैसे क्या क्या चेक करना है, पहला तो रिजल्ट चेक करने हैं कि रिजल्ट्स में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है कोई इशू नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स तो ठीक आ रहे हैं। सेकंड, अपने फील्ड में मार्केट लीडर है, किस जगह ट्रेड कर रहा है, यानी कौन से नंबर पे आता है। थर्ड थिंग, पीयर कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन तो महंगे नहीं है, अगर है तो अभी तो फिर बहुत जगह पड़ी है करेक्ट होने के लिए। आज की मार्केट की गिरावट को लीड कर रहा है मेरे हिसाब से तीन बड़े सेक्टर्स ने, पहला आईटी, दूसरा पीएसयू बैंक एंड बैंकिंग, थर्ड अदानी ग्रुप, ये आज फिर से गिरता हुआ दिखा है। तो ये मेरे हिसाब से चीजें अभी रुकेंगी नहीं, बीच में एक आध आपको शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बट वहां भी सेलिंग आएगी, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा इस समय लोग बस निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई खरीदार है नहीं, तो बाइंग नहीं बनेगी जब तक, तब तक फ्रेश बाइंग नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से मार्केट में भी आपको सावधान ही रहना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। लास्ट में जाते जाते ये जरूर कहूंगा, शाम को जो इन्फ्लेशन डाटा आएगा यूएस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आप सभी के साथ टाइमली शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।